बीए पार्ट थर्ड में प्रक्षेप या प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, प्रोजेक्शन कैसे बनाए जाते हैं, प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आज अपन विस्तृत जानकारी दें। तो सबसे पहले तो प्रक्षेप क्या चीज़ होती है उसके बारे में आप बताते हैं कि ग्लोब पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समतल कागज पर प्रदर्शित करने की विधि को ही प्रक्षेप कहा जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि ग्लोब पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रकाश की सहायता से या गणितीय विधियों की सहायता से अगर हम समतल कागज पर प्रदर्शित करते हैं तो समतल कागज पर प्रदर्शित करने की विधि को प्रक्षेप कहा जाता है। जैसे आप एक बार उदाहरण लेकर देखें कि ये अपना ग्लोब समतल कागज पर प्रदर्शित कर दे, ये समतल कागज हो गया। तो समतल कागज पर अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो समतल कागज पर प्रदर्शित करने की विधि को प्रक्षेप कहा जाता है। कागज का शंकु डालने के बाद
इस कागज के समूह को अपन फैलाते हैं तो फैलाने के बाद इस प्रकार का प्रक्षेप होगा। ऐसे प्रक्षेपों को अपन शंक्वाकार प्रक्षेप कहते हैं। शंक्वाकार प्रक्षेप ग्लोब के ऊपर कागज का शंकु डालें और कागज का शंकु डालने के बाद अगर उस कागज के शंकु को अपन फैलाते हैं तो फैलाने से जिस प्रकार का प्रक्षेप बनता है उस प्रक्षेप को ही अपन शंक्वाकार प्रक्षेप या कोनिकल प्रोजेक्शन कहा जाता है। दूसरा प्रक्षेप गोलमल के अगर चले अपन तो दूसरा प्रक्षेप होता है बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप को सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कहा जाता है। इस प्रक्षेप में सिलेंड्रिकल प्रक्षेप में ऐसी कल्पना की जाती है कि ग्लोब के ऊपर या ग्लोब को कागज के बेलन में डाला जाता है और कागज के बेलन में डालने के बाद उस कागज के बेलन को अपन अगर फैलाएं तो फैलाने से जिस प्रकार का प्रक्षेप बनता है उस प्रक्षेप को बेलनाकार या सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कहा जाता है। अब इसके बनाने की प्रक्रिया अगर आप देखें तो ये एक बार आप इसको देखें तो ये ग्लोब है और ग्लोब को कागज के बेलन में अगर अपन डालें ये ग्लोब है और ग्लोब को कागज के बेलन में अपन डालते हैं ये ग्लोब है, ग्लोब के अंदर अपन कागज के बेलन को डाल दिया। उसके बाद अब ये कह रहा है कि इस प्रक्षेप को अगर अपन वापस फैलाते हैं ग्लोब को कागज के बेलन में डाला और कागज के बेलन के में डालने के बाद चाहे प्रकाश की सहायता से हो चाहे गणितीय विधियों की सहायता से हो अगर इसको अपन फैलाते हैं तो फैलाने से जिस प्रकार का प्रक्षेप बनता है उस प्रक्षेप को बेलनाकार या शंक्वाकार या बेलनाकार या सिलेंड्रिकल प्रक्षेप कहा जाता है। जैसे आप अगर देखोगे तो इसको अगर फैलाते हैं अपन तो फैलाने से इस प्रकार का प्रक्षेप बनता है उस प्रक्षेप को बेलनाकार इसको अपन इस तरह से बना सकते हैं। ये भूमध्य रेखा होगी, अर्ध रेखा होगी, अन्य शांत रेखाएं होगी और ये त्रिभुज होगी।
दक्षिण, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और ये ग्रीन बीच, ग्रीन बीच। तो ऐसे प्रक्षेपों को अपन बेलनाकार या सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कहा जाता है। जैसे अपन एक बार फिर दोबारा बताते हैं कि अगर अपन किसी भी ग्लोब को बेलन, कागज के बेलन में डालें और कागज के बेलन में डालने के बाद उस कागज के बेलन को फैलाएं, फैलाने से ग्लोब पर स्थित जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं थी, वो अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस प्रकार से बनती हैं और जिस प्रकार से बनती हैं उसी प्रक्षेप को बेलनाकार या सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कहा जाता है। एक बार आपको फिर दोबारा बताते हैं कि तो प्रक्षेप किसे कहते हैं। प्रक्षेप का मतलब कि ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। अगर उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अपन किसी भी विधि, प्रकाश की सहायता से या गणितीय विधियों की सहायता से अगर अपन समतल कागज पर प्रदर्शित करें तो समतल कागज पर बनाने की विधि को क्या कहा जाता है, प्रक्षेप कहा जाता है। जैसा आपको पहले बताया ग्लोब के ऊपर अपन करते हैं और उसके बाद फैला। ये प्रक्षेप तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रक्षेप बताया शंकुआकार प्रक्षेप। शंकुआकार प्रक्षेप में अपन ग्लोब के ऊपर कागज का शंकु डालते हैं और कागज के शंकु डालने के बाद उस कागज को अपन फैलाते हैं। तो फैलाने के बाद में जैसा प्रक्षेप बनता है उस प्रक्षेप को शंकुआकार प्रक्षेप कहा जाता है। इस प्रक्षेप में पहले आपको बताया कि जहाँ से ग्लोब को कागज का शंकु स्पर्श करता है उस अक्षांश को मानक अक्षांश या स्टैंडर्ड पैरेलल कहा जाता है। तो अधिकांशतः एक ही अक्षांश को स्पर्श करता है, परंतु कल्पना ही कई बार क्या करते हैं कि मान लो दो जगह स्पर्श करे, अगर एक जगह स्पर्श करता है तो एक मानक, अगर दो जगह स्पर्श करता है तो दो मानक, और कई जगह स्पर्श करता है तो और भी ज़्यादा कोने बहुसंख्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि कई प्रकार के इस तरह से किया जाता है। दूसरा प्रक्षेप बेलनाकार प्रक्षेप होता है। उस प्रक्षेप में ऐसी कल्पना की जाती है कि ग्लोब को कागज के बेलन में रखा जाता है और कागज के बेलन में रखने के बाद उस पे जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं आती हैं उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अगर फैलाया जाए तो फैलाने के बाद में इस प्रकार का जो प्रक्षेप बनता है उस प्रक्षेप को बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। तीसरा प्रक्षेप खमध्य प्रक्षेप होता है। तीसरा खमध्य प्रक्षेप, इसको जेनिथर प्रक्षेप भी कहा जाता है, इसे जेनिथर प्रक्षेप भी कहा जाता है। इस प्रक्षेप में ऐसी कल्पना की जाती है कि ग्लोब के ऊपर कागज रखा जाता है और कागज अगर ध्रुवीय प्रदेशों में रखें या विषुवत रेखीय प्रदेशों में रखें, तो अगर ध्रुवीय प्रदेशों में अगर कागज रखते हैं तो उस प्रदेश या उस प्रक्षेप को ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप कहा जाता है। या अगर अपन इसको किसी विषुवतीय प्रदेशों में रखें और तीसरा खमध्य प्रक्षेप। तीनों के अलग अलग शंकुआकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप और खमध्य प्रक्षेप किस तरह से, ये इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं, ये आपके